हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आप QR कोड का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी UPI एप्लीकेशन का QR कोड आप अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं उस QR कोड पर, या आपका कोई बिजनेस है, छोटा मोटा किराने का शॉप है, हार्डवेयर का शॉप है, कोई बड़ा दुकान है या छोटा मोटा दुकान है, और आप QR कोड से अपने ग्राहकों से पेमेंट रिसीव करते हैं, तो अब आप सावधान हो जाइएगा। आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, पुलिस आपका बैंक अकाउंट सीज कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, और आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। इस वीडियो में बात करूंगा कैसे केस क्यों बढ़ रहे हैं और ऐसे केस आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपको इनसे किस प्रकार से बचना है, क्या इसके बचाव के उपाय हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि इस प्रकार के केस क्यों बनते हैं, कौन कौन सी इसमें धारा लगती है आपके ऊपर, और अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो उससे आपको बचना किस प्रकार से है, और क्या क्या सावधानी आप रखें जिससे इस प्रकार की कभी आपके लिए नौबती ना आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किसी तरीके इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आपने देखना शुरू कर दिया है बैंकिंग यूट्यूब चैनल। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जगह जगह आपको QR कोड देखने को मिल जाएंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मर्चेंट QR कोड आजकल हर दुकानदार लगा रखता है, और बहुत जरूरी भी है। डिजिटल इंडिया है तो QR कोड के बगैर काम नहीं चलता है। आजकल अधिकांश व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट सेंड करते हैं, तो QR कोड होना बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या यहां पर क्या आ रही है, काफी सारे लोगों के ऊपर QR कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करने पर केस दर्ज हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इस बात को समझिए आप पहले। तो देखिए, आजकल आप जानते हैं कि फ्रॉड कितना बढ़ गया है। हर व्यक्ति आजकल किसी न किसी वजह से फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाता है, और उसके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाता है। कभी कोई शेयर मार्केट के चक्कर में, तो कभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, या किसी लिंक पर क्लिक कर दिया, या OTP पूछ लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड होता है। अब जो लोग फ्रॉड करते हैं वो अपने पैसे का क्या करेंगे, क्योंकि फ्रॉड व्यक्ति ने जिस अकाउंट में पैसा रिसीव किया है किसी के साथ फ्रॉड करके, अगर वो व्यक्ति उस बैंक खाते में पैसा रखकर रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति कंप्लेंट करेगा और बैंक पुलिस उसी खाते को सीज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए उस फ्रॉड व्यक्ति को अपना 2 नंबर का पैसा ठिकाने लगाना होता है, और इसमें जो QR कोड होता है ये बहुत काम आता है। अब ऐसे में वो फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि दुकान पर जाते हैं किसी के, और कुछ छोटा मोटा सामान खरीदते हैं, और गलती से 100 रुपए की जगह 10,000 सेंड कर देंगे या 20,000 सेंड कर देंगे। बोलेंगे भैया गलती से हो गया, और बोलेंगे भैया इस पैसे को मुझे वापस कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से कई सारे तरीके लगा लगा करके वो लोग अपने काले धन को सफेद बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जो वो व्यक्ति दोबारा पेमेंट रिफंड लेते हैं तो वो उस QR कोड पर नहीं लेंगे, उस बैंक में नहीं लेंगे जिससे उसने पेमेंट किया है, वो किसी और नंबर पर पेमेंट सेंड करवाएंगे या किसी और QR कोड पर पेमेंट रिसीव करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 2 नंबर का पैसा होता है ये लोग एक चेन बना करके उसको सफेद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी व्यक्ति ने किसी के साथ फ्रॉड किया, अब उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आया है, अगर वो व्यक्ति यूज नहीं करेगा तो बैंक उसके खाते को सीज कर देगा, पैसे को लॉक कर देगा। लेकिन ऐसे में वो व्यक्ति क्या करता है कि इस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट पर सेंड करेगा, फिर उससे किसी तीसरे अकाउंट में सेंड करेगा पैसे को। इस प्रकार से वो 4-5 बैंक अकाउंट में चेन बना करके फिर पैसे को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड लोग हैं वो डायरेक्ट बैंक में जाएगा पैसे निकालने के लिए तो कैमरे लगे हुए हैं, अगर ATM मशीन में जाएगा तो भी कैमरे लगे हुए हैं, पकड़ जाएगा, चेक देगा तो भैया 4-5 दिन में सेटल होता है, उतने में वैसे पकड़ जाएगा। तो उनके लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका होता है QR कोड। किसी भी दुकान पे जाओ और उस QR कोड पेमेंट सेंड कर दो, वहां शॉपिंग कर लो। भाई क्या करेगा, 2 नंबर का पैसा है तो महंगे महंगे सामान खरीदेगा, पैसे बर्बाद करेगा। लेकिन ऐसे में जो दुकानदार है वो फोकट में फंस जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक तरीके से ही आपके QR कोड पर पेमेंट आएगा। आजकल फ्रॉड लोग अलग अलग तरीके निकाल करके और QR कोड पे पेमेंट सेंड करते हैं। कुछ लोग फोन करके बोलेंगे आपको कि मैं 1,00,000 रुपए सेंड कर रहा हूं और आप उसमें से 10% कमीशन काट लेना, बाकी मुझे रिफंड कर देना। और लोग आजकल बातों में आ जाते हैं, भैया फोकट का पैसा मिल रहा है 10%। तो ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए, कोई व्यक्ति आपको पेमेंट सेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, कुछ तो कारण रहा होगा उसका। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति अगर आपको पेमेंट सेंड कर रहा है फोन पे, गूगल पे या किसी QR कोड पे, तो भाई उस पर थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे में आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि मान लो भैया हमारा कोई शॉप है, अब उस पर हमने QR कोड लगा रखा है, सामने वाले व्यक्ति ने हमें सामान लिया, उसमें पेमेंट किया, हमारी क्या गलती उसमें, और हमारे ऊपर कौन सी धारा लगती है, हमने तो अपराध किया ही नहीं कुछ। तो आपने IPC में एक धारा सुनी होगी, 120B, षड्यंत्र में शामिल होना, यही धारा पुलिस लगाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है
उस व्यक्ति का जो फ्रॉड का पैसा है वो आपके बैंक खाते में आया, और यहां पर पुलिस का मानना यह होता है कि आप भी उसके साथ मिले हुए हो, षड्यंत्र रच के आप इस घटना को अंजाम दे रहे हो और इस प्रकार से आपका पूरा चैन बना हुआ। लेकिन आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारे इंडिया में कानून बदल दिए गए हैं, तो जो आपके ऊपर षड्यंत्र में शामिल होने की 120 बी धारा लगती थी, लेकिन अब नई BNS भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आपके ऊपर षड्यंत्र में शामिल होने की धारा 61 लगती है, 61 लगती है। अब जिस व्यक्ति ने किसी के साथ फ्रॉड किया है उसके ऊपर तो 420 लगती है, लेकिन अब 318 लगेगी। तो अब किसी व्यक्ति से यह मत बोलना कि तू 420 है, अब बोलना कि तू 318 है। तो ये तो रही भाई वो वाली बात कि धारा वगैरह कौन सी लगती है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनसे आपको बचना किस प्रकार से। देखिए, इनका बचने का एक ही उपाय है कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ने आपको पेमेंट सेंड किया, अब वो पेमेंट 2 नंबर का था और आपके ऊपर केस दर्ज हो गया, तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप साबित कर पाए कि भाई मेरी ये शॉप है और मैं यहां पर पेमेंट एक्सेप्ट करता हूं। बहुत सारे लोग क्या है, बिजनेस का कोई प्रूफ ही नहीं बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस छोटा हो आपका या बड़ा हो, उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसे गुमस्ता हो गया, नगर निगम का कोई प्रूफ हो गया आपके पास। अगर कुछ भी नहीं है तो आप उद्यम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल फोन से उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वो भी आपके बिजनेस का एक प्रूफ होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपसे बोलूं कि मेरा नाम मनीष प्रजापति है, लेकिन पुलिस और न्यायालय में यह बात नहीं मानी जाएगी। जब मैं आधार कार्ड दूंगा अपना, उसमें अगर मनीष प्रजापति लिखा है तो ही मेरा नाम मनीष प्रजापति है, क्योंकि साबित करना पड़ेगा हमारे लिए। तो अगर आपके पास कोई प्रमाण है आपकी दुकान का तो आपके बहुत काम आएगा ये। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, आपका प्रॉफिट होता है, तो आप कैमरा लगवाइएगा, कैमरा आपके बहुत काम आएगा। जो इस प्रकार की घटना है इससे तो आप बची जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग दे देंगे आपके, भाई ये व्यक्ति इतने समय पे आया था और इस प्रकार से इसने भी पेमेंट किया था। लेकिन इसके अलावा चोरी घटना होती रहती है, उनसे भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप बिलिंग करिएगा, आप बिल बनाइएगा। आजकल तो डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन आ चुके हैं बहुत सारे, तो उसमें आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिएगा और उसके नाम से एक बिल काट दीजिएगा। यह बिल एक प्रमाण रहता है कि भाई मैंने उस व्यक्ति को इस समय पे इतने बज के इतने मिनट पे इतनी तारीख को यह सामान दिया था और उसने मुझे इसके बदले इतना पैसा सेंड किया था QR कोड पर। तो इस प्रकार की चीजें आप करिएगा तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई घटना ऐसी होती भी है तो आप साबित कर देंगे तो आपको बड़ी समस्या नहीं बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि दुकान चलाना है, शॉप चलाना है, तो हमारे लिए QR कोड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया है भाई, पेमेंट एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। इसके अलावा अगर आपका दुकान वगैरह नहीं है, QR कोड आप यूज नहीं करते हैं, लेकिन गूगल पे फोन पे का QR कोड इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का अगर कभी पेमेंट आपके पास आ जाता है तो ध्यान रखना कि उस व्यक्ति को पूरा पैसा वापस कर देना तुरंत। अगर वो व्यक्ति आपसे बोलता है कि भैया 10% रख लीजिएगा, मैं आपको 20,000 रुपए सेंड कर रहा हूं, 2,000 रुपए काट के बाकी मुझे वापस कर देना, तो ऐसे चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये 100% फ्रॉड लोगों का ही पैसा होता है और वो लोग अपने काले धन को इस प्रकार से सफेद बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, बहुत सारे ट्रिक निकाल के। तो अगर आपका कोई किराने का शॉप है या कोई बड़ा बिजनेस है और आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखना। बाकी आपके साथ इस प्रकार की घटना कभी हुई है या फिर नहीं हुई है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जगह पसंद है वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।